मैम फूड की का भी जैसे एक चैप्टर है खाना बाहर से मंगवा लो ना तो फूड का क्या मतलब एनर्जी साइंस है खाने के ऊपर क्योंकि काफ़ी काफ़ी जगह रेफरेंसेस आते हैं पत्री जी के भी और शास्त्री जी की जो है वाइफ वसंता मैम जो है शायद उनका भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेफरेंस है वो स्टोरी है तो कैसे फूड का क्या एनर्जी है कि ठीक है वेज खाना है ठीक है वो हमारी चॉइस है वेज खा लेंगे कहीं से भी आ जाएगा बाहर से आ जाएगा कोई भी बनाए नहीं वहाँ पे हम होश पूर्वक कैसे वहाँ माइंडफुल कैसे हो सकते हैं देखिए मतलब जो आपका खाना जो आप खा रहे हैं वो आपका अनमय में होश बनाता है लेकिन साथ में वो किस भाव से बनाए वो आपका इमोशनल बॉडी को बनाता है तो आप ये इनफैक्ट मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बताती हूँ डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने ये एक्सपेरिमेंट करी है कि उसमें क्या हुआ कि दो ग्रुप्स ऑफ रैट्स बनाए गए एक ग्रुप को ऐसे गंदा तला हुआ खाना दे रहे हैं दोनों ग्रुप ऑफ रैट्स को ए एक के आगे फेंक देते हैं खाना और जो तो दूसरा ग्रुप ऑफ़ रैट्स है उसके आगे भी फेंकते हैं खाना वो सेम टाइप का ही ऑलमोस्ट अच्छा नरिशिंग खाना नहीं है लेकिन क्या पाते हैं एंड में कि एक ग्रुप ऑफ रैड्स जो थे वो ऑलमोस्ट ठीक ठाक थे उनको बीमार हो जाना चाहिए था वो नहीं वो ठीक ठाक थे बड़े हर, बड़े हैरान हुए कि ये चूहे कैसे ठीक हैं तो उन्होंने क्या पाया कि उन चूहों को जो खाना डालता था वो पहले उनको प्यार करता था उनको सहलाता था जैसे आप किसी बेबी को या डॉग को पेट करते हो ना पहले कि आओ आओ तो खाना खा लो तो ऐसे वो पहले उन चूहों को सहलाता था प्यार से प्यार से उनके आगे खाना डालता था स्माइल करता था और वो जो खा खाने का गंदा इम्पैक्ट पढ़ना चाहिए था वो भी नहीं पड़ा उनके ऊपर पड़ा पर बहुत कम पड़ा तो आप बताइए क्या डिफरेंस था द डिफरेंस वॉज इन द भाव आप किस भाव से कोई भी काम करते हैं और ये भाव भी एक साइंस है मुझे तो लगता है द वे यू लव द यू मेक लव द वे यू कुक द वे यू राइट द वे यू स्पीक दीज आर ऑल एक्ट्स ऑफ लव ये सब आपके प्यार की ही एक्सप्रेशन हैं अगर हम इसको समझें तो एक ही साइंस है कि आप कोई किसी चीज़ को कितने भाव से करते हैं कितने सुंदर भाव से करते हैं हमारे धर्म ग्रंथों में भी आता है साधु भूखा भाव का तो ये आज आप समझेंगे इस बात को तो भाव एक जबरदस्त साइंस है कि आप किस भाव से कोई काम को कर रहे हैं तो वो एक गिफ्ट हो जाता है यूनिवर्स के लिए आप जैसे बोल रहे हैं जैसे आप लिख रहे हैं जैसे आप खाना बना रहे हैं दिस ऑल बिकम गिफ्ट्स द यूनिवर्स तो और यूनिवर्स भी क्या है आप ही का एक्सटेंशन है यथा पिंड तथा ब्रह्मांड जैसा आपका पिंड है शरीर है वैसा ही ब्रह्मांड है तो माने ये सब रिफ्लेक्शन है एक दूसरे की रिफ्लेक्शन काउंटर रिफ्लेक्शंस हैं सो मुझे ऐसा लगता है कि भाव का बहुत खाने में बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट आता है तो ये एक स्टोरी मैंने इसमें मेंशन भी किया कि है कि श्री कृष्ण जाते हैं तो दुर्योधन उनको खाना ऑफर करता है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं इतने बड़े राजमहल दास इतने सारी दास दासियाँ इतने छप्पन भोग छोड़कर वो विदुर के पास जाते हैं और विदुर को तो नहीं मालूम ना कि आने वाले हैं तो उनकी उनके ही अपने घर में जो शाक सब्जी उगती थी वो उनकी वाइफ उनको बना कर देती है क्यों श्री कृष्ण हमें क्या बताना चाहते हैं इस एपिसोड के थ्रू कि कोई किस भाव से आपको बुला रहा है खाने पर आप किस भाव से खाना खा रहे हैं किसका भाव से खाना बना रहे हैं तो आप सारे वो राजपाट छोड़कर भी आप एक सिंपल सादा का खाना खाने जाते हैं क्योंकि वो प्यार से बना हुआ है सुंदर भाव से बना हुआ है तो भावों की बहुत महिमा है जी आजकल बहुत कल्चर है कि लेट्स ईट आउट बाहर चलते हैं खाने ऑर्डर कर लेते हैं फिर ऑर्डर कर लेते हैं क्लाउड किचन्स हो गई ठीक है देखिए आने वाले समय में तो मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि फ्यूचर में तो लोगों को एक बटन प्रेस करेंगे और खाना आ जाएगा वो हो भी रहे हैं ऐसे रोबोट्स भी आ रहे हैं जो खाने को प्रिपेयर करते हैं वो सब ठीक है हो सकता है वो समय लेकिन हम जिस हम एक ट्रा, ट्रांजिशन पीरियड में हम अभी ना यहाँ हैं और ना पूरे तरह से हम वहाँ हैं तो यहाँ पर हम भावों को एक, अपने यूज़ कर सकते हैं एक समय आएगा शायद कर, शायद कोई कुक नहीं करेगा या शायद सभी कुक करेंगे खुशी खुशी शायद समय आएंगे ऐसे लेकिन अभी जिस हम समय में हमको ये समझना होगा कि बहुत प्यार से खाना बनाएं सबको प्यार से खाना खिलाएं ये एक आ, आपको सेवा को मौक, मौका दे रहा है यूनिवर्स ये एक गिफ्ट है आपके लिए तो जो आ, जो हमारी किरदार है उसको खाना बनाने से रश्मि को खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था नफरत थी उसको कौन किचन में देर खड़ा रहे पसीना पसीना होता रहे मेरी शक्ल और ख़राब हो जाती है तो वो 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 उस सोच को बदलना क्योंकि हमको साइंस नहीं मालूम खाने का विज्ञान नहीं मालूम कि वही खाना वो जो आप एप्पल खा रहे हैं जो आप रोटी खा रहे हैं जो आप सब्जी खा रहे हैं वो आपका शरीर बना रहा है दैट्स मेकिंग योर बॉडी तो ये समझना आज की डेट में मुझे लगता है बहुत बहुत बहुत, -बहुत ज़रूरी है अन्नमय कोश इमोशनल बॉडी तो आमतौर पर बॉडी सुनते ही सब ही, सिर्फ फिजिकल बॉडी ही फिजिकल बॉडी के बारे में सोचते हैं तो इसका मतलब जो लेयर कहीं ना कहीं दूसरी बॉडीज भी होती हैं सुना है एस्ट्रल बॉडीज इमोशनल बॉडी अनमय कोश आपने जिक्र किया uh, आयुर्वेद के उसमें पंचकोश है बट न्यू एज मॉडर्न स्परिचुअलिटी में सेवन काइंड ऑफ बॉडीज़ बताए हुए हैं तो ये आप बता सकते हैं ये विज्ञान है पंच कोश का विज्ञान है जैसे हमारे पुराने शास्त्रों में आता था कि आपके पंच हैं आपके आप अन्न में कोश तो आपका विजिबल है फिर साथ में आपकी एथेरिक बॉडी हो जाती है इस तरह से आपके सेवन लेयर्स हैं लेकिन जो सिक्स और सेवन्थ होती है वो कॉमन होती है सब में जो निर्वाणमय कोश है जो में कोश है वो सबकी कॉमन है बॉडी देखिए जब आप खाना बना रहे हैं और आप उसका विज्ञान भी समझ रहे हैं तो आप सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी को नरिश नहीं करें मैंने अन्न कोश को नहीं करें आपने सुंदर भाव से बनाया आपकी इमोशनल बॉडी भी नरिश हो गई और आपने उसके विज्ञान को समझ कर बनाया आपकी मेंटल बॉडी भी नरिश हो गई तो कई बॉडीज़ को फूड एक साथ एड्रेस कर रहा है तो इनको हमको समझना होगा इस फूड के साइंस विज्ञान को हमें समझना होगा बहुत गहरी साइंस है ये जैसे मेडिकल साइंस में आजकल सिर्फ और सिर्फ आम तौर पर जो डॉक्टर्स uh, और न्यूट्रिशनस्ट हैं वो सिर्फ डाइट डाइट स्लीप एक्सरसाइज डाइट स्लीप एक्सरसाइज यही चल रहा होता है बट डाइट सिर्फ फिज़िकल uh, बॉडी वाली नहीं मेंटल डाइट इमोशनल डाइट भी होती है yes. तो सारी बॉडीज़ को आपको नरिश है एक ही आपका शरीर नहीं है दिखता एक है मजे की बात यह लेकिन होते कई शरीर हैं